बात करें बोनसाई शेप्स की, जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में, बोनसाई शेप्स के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया था बोनसाई, बोनसाई के अंदर हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं, वो है ट्रायंगल। बोनसाई में जो मेन चीज है, जो शेप से शेप को डिफाइन करती है, वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप में ट्रायंगल हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इस ट्री का इस तरह से इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टी है। नीचे की ब्रांच हमेशा थोड़ी बड़ी होगी, उससे ऊपर ब्रांच थोड़ी छोटी होगी, उससे ऊपर और छोटी होगी। इसी तरह होते होते जब टॉप का एपेक्स आएगा, एपेक्स पे ब्रांचेस बिल्कुल छोटी होना शुरू हो जाएंगी। पहले की ब्रांचेस थोड़ी नीचे होंगी, थोड़ी सी ये आहिस्ता 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 यहाँ ऊपर आते आते ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप जो है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब अगर आप ब्रांच का अंदर से मुआयना करें, तो ब्रांच एक, जैसे ये ब्रांच है, फर्ज करें कि यहाँ पे ये एक ब्रांच सही तरह से डिफाइन करते हैं, तो ब्रांच में हमेशा ब्रांच की जो ग्रोथ होगी ब्रांच भी हमेशा एक ट्रायंगुलर शेप में होगी, चाहे आप उसको साइड से देखें, चाहे आप उसको, अब ये तो साइड व्यू है, ये साइड व्यू है। अब अगर इसका ऊपर से बर्ड व्यू भी लेते हैं तो बर्ड व्यू में भी सेम वही रूल है, जैसे ट्रंक चल रहा है इसी तरह ब्रांचेस चल रही है। ये बर्ड व्यू का मतलब आप ब्रांच को ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखने पर भी ब्रांच की जो है एक ट्राइंगुलर शेप आ रही होगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये ब्रांच है कि ब्रांच जो है वो भी ट्राइंगुलर शेप के अंदर हो। अब जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप मेजरमेंट करना शुरू करते हैं कि यार ये बिल्कुल ट्राइंगुलर बना कि नहीं बना, इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी है कि फिर भी ब्रांच ट्राइंगुलर शेप के अंदर, ब्रांच भी ट्राइंगुलर शेप में रहे, साइड व्यू से भी ट्राइंगुलर हो, और ओवरऑल ट्री भी जो है आपका ट्राइंगुलर के अंदर होना चाहिए। तो ये बेसिकली बोनसाई शेप जो है, सॉरी शेप्स नहीं है, शेप्स के बारे में आगे मैं मजीद बताऊंगा। बोनसाई की शेप जो है इस तरह से होनी चाहिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे लीफ रिडक्शन की, ये जो पत्ते होते हैं वो कैसे छोटे किए जाते हैं, पत्ते के छोटे होने का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर क्या किया जाता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा।